बड़ी खबर इस वक्त सीतापुर से है, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यहां पर दम घुटने से 7 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि दरी फैक्ट्री में गैस रिसाव से यह हादसा हुआ और इसमें 7 की मौत अभी तक हुई है, पुष्टि हो पाई है। तो घटना के बाद फैक्ट्री मालिक फरार हो गया है। इलाके में भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। तो कोतवाली क्षेत्र के बिस्वा इलाके की घटना बताई जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि इस घटना पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक व्यक्त किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर में जहां पर एक दरी फैक्ट्री में गैस रिसाव के चलते आग लगी और ये हादसा हुआ। 7 लोगों की इस हादसे में आपको बता दें कि मौत हो चुकी है अब तक, और कई कहा जा रहा है कि आशंका यहां पर और भी लोगों के मरने की हो सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पर शोक व्यक्त किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरजीत सिंह यहाँ पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, अभी क्या अपडेट मिल रही है वहां से? बता दें कि इस समय जो स्थिति यहाँ पे है, अभी तक कोई अपडेट तो नहीं मिला है, लेकिन जो 7 लोगों की मौत हुई थी उनकी पुष्टि जिला प्रशासन ने कर दी है। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक यहाँ पे 7 लोगों की मौत हुई है, और ये जो 7 लोगों की मौत हुई है इसमें पति पत्नी समेत जो है एक इसके बच्चे भी शामिल है, और इसी मरने वाले कानपुर के रहने वाले थे, और यहाँ पर ये जो है इस फैक्ट्री में चौकीदारी काम करते थे और परिवार रहते थे। अभी तक फिलहाल इसकी जानकारी निकल के सामने आई, लेकिन फैक्ट्री में अब तक कितने लोग फंसे हुए हैं इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। अमरजीत, पहली बात तो ये बताइए, आपकी ये हादसा किस वक्त हुआ, किस समय गैस का रिसाव हुआ, और क्या जिस समय ये हादसा हुआ उस समय वहां पर मजदूर लोग मौजूद थे, और क्या आशंका यहाँ पर और भी लोगों के मरने की बताई जा रही है? रितु, जो अगर हादसे की बात किया तो सुबह लगभग 10:30-11 बजे के बीच में गैस रिसाव की सूचना मिली थी। यहाँ पे जहाँ पे ये हादसा हुआ है, एक दरी फैक्ट्री है, और इस दरी फैक्ट्री के बिल्कुल सटी हुई एक तेजाब फैक्ट्री भी है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि दरी फैक्ट्री और तेजाब फैक्ट्री के बीच से पाइपलाइन वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो तेजाब फैक्ट्री से गैस का रिसाव हुआ है, जिसकी चपेट में ये जो चौकीदार का परिवार था वो आया है। तो गैस रिसाव जो है वो तेजाब फैक्ट्री से हुआ था, और उसी के चलते ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन अभी तक इसमें 7 लोगों की ही मौत बताई जा रही है, अन्य की कोई पुष्टि नहीं हो पा रही है, और कितने लोग फंसे हुए हैं इसकी भी तो कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। अमरजीत, अभी इसमें क्या अंदाजा लगाया जा रहा है? पुलिस यहाँ पर पहुंच चुके हैं, उच्च अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, क्या उनका कहना है कि इसमें क्या ये एक बड़ी लापरवाही है, उसी के चलते ये हादसा हुआ? क्योंकि बताया जा रहा है जो फैक्ट्री मालिक है वो भी इसमें अभी तक फरार है, पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ है, जो घटना हुई है, ये तो उजागर करती है, क्योंकि अगर इस तरह लापरवाही नहीं हुई तो हादसा आज कैसे हुआ है। बात वही है कि किए गए थे, अगर नहीं किए गए तो प्रकाश की लापरवाही हुई है, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री संचालित होती है तो उसके लिए लंबी प्रक्रिया होती है, मशीन पूछी जाती है। लेकिन ऐसे में अगर ये घटना हुई है तो निश्चित तौर पर कहीं से फैक्ट्री संचालन की भी कमी है, और की भी देखी जाए तो कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आती है। फैक्ट्री मालिक यहाँ कभी फरार बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का लगातार यहाँ पहुंचना जारी है। जिलाधिकारी सीतापुर भी यहाँ पहुंच चुके हैं, लेकिन चीजें नहीं हो पा रही कि ये हादसा कैसे और किस कारण से हुआ है। बिल्कुल। अमरजीत, ये बताइए, क्या अभी गैस का जो रिसाव हुआ है उसका क्या रिएक्शन अभी भी वहां पर है, क्या दिक्कतें हो रही हैं लोगों को वहां पर भी? अभी तक यहां पे अगर गैस रिसाव की बात है तो गैस रिसाव यहां पे अभी तक हो रहा है, लोगों को फैक्ट्री से काफी दूर रखा गया है, और जो यहां पे सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी और जो भी लोग फैक्ट्री से काफी दूर भी लगाए गए हैं वो भी सब मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वहां पर लोगों को जाने से लगातार रोका जा रहा है। राहत और बचाव कार्य फैक्ट्री के अंदर जारी है। जिला प्रशासन की तरफ से जो है जिला मुख्यालय से भी डॉक्टरों की टीम यहां पे पहुंच चुकी है, लेकिन फैक्ट्री के अंदर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जा रही है। तो अंदाजा क्या लगा रहे हैं, जो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है राहत और बचाव की, कितने जो मजदूर है वहां पर भीतर होंगे? देखिए, दरी फैक्ट्री है तो यहाँ पे बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं, लेकिन बात की जाए तो अभी के मरने की गई है, कितने लोग फंसे हैं और क्या स्थिति है ये तो अंदर जाने के बाद ही बाहर आके जानकारी देगा, तभी जानकारी हो पाएगी कि अभी अंदर क्या है। जी तो बिल्कुल। अमरजीत, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी शोक व्यक्त किया है, क्या अनुमान यहाँ पर जो सहायता है वो यहाँ पर की जाएगी मृतक परिवार के लिए, पीड़ितों के लिए?
देखिए किस तरीके से हादसा हुआ है और एक ही परिवार के लगभग 7 लोगों की मौत हुई है, पूरा परिवार ही प्राप्त हो गया। बहुत ही दुखद हादसा है और जिस तरीके से सीएम ने संवेदना व्यक्त की है, अधिकारी भी मौके पर हैं, सही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर हैं, तो ऐसे में फैक्ट्री संचालक पर तो कार्रवाई होनी चाहिए और साथ में इस पीड़ित परिवार को आशा रखी जा रही है कि जिला प्रशासन द्वारा मदद की जाएगी। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमरजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।